हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो आपकी यहां पर नोटिफिकेशन निकाली है UGC नेट दिसंबर 2019 के लिए, इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वैकेंसी या इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड सभी जानकारी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहां पर अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा और इसके बाद फ्रेंड्स आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं इसमें अप्लाई करने की सभी प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको यहां ऑप्शन मिलता है रजिस्ट्रेशन का, जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको यहां पर दिखेगा UGC नेट दिसंबर 2019 और आप क्लिक करेंगे इस न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हैं। आपको आपकी एग्जामिनेशन फीस आपको यहाँ मिलेगी और जितने स्टेप्स आपके इस फॉर्म को फिल करने से रिलेटेड हैं वो सभी आपको यहाँ मिलने वाले हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, आप सबसे लास्ट में आएंगे, यहाँ पर आप आई हैव डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और उसके बाद क्लिक करेंगे क्लिक हेयर टू प्रोसीड सेक्शन पर। इसके बाद फ्रेंड्स, जो आपका ऑनलाइन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको यहाँ एंट्री करनी है आपके नाम की, तो आपका जो भी पूरा नाम है वो आप एंटर करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ आप एंटर करेंगे आपका फादर नेम। नेक्स्ट ऑप्शन फ्रेंड्स, आपके मदर नेम का है तो ये आप यहाँ फिल करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो यहाँ से आपकी डेट, मंथ एंड ईयर आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, आपका आइडेंटिटी टाइप है तो यहाँ से देखिए आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या इसके अलावा कोई भी अदर गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड विद फोटोग्राफ अगर आपके पास है तो आप फ्रेंड्स उसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद उस कार्ड का यहाँ पर आपको नंबर फिल करना है। ये फ्रेंड्स आपके जेंडर का ऑप्शन है, अपना जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे। तो इसके बाद आपका जो पर्सनल डिटेल है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ये है फ्रेंड्स आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल, तो यहाँ पर आपका जो भी पूरा एड्रेस है वो आप यहाँ फिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके लोकलिटी का है तो अपना डिस्ट्रिक्ट का या लोकलिटी जो भी है आपका, वो टाउन का नाम वो आप यहाँ दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इसके बाद फ्रेंड्स, सिटी, टाउन या विलेज आप दे सकते हैं। इसके बाद आपका जो स्टेट का नेम है वो फ्रेंड्स आपको यहाँ मेंशन करना है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपका डिस्ट्रिक्ट है जो कि आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। आपका पिन कोड है जो कि आपको यहाँ पर फिल करना है। बेसिकली आपका जो एड्रेस है वो आपको यहाँ इन सेक्शन में फिल करना होगा। नेक्स्ट ऑप्शन फ्रेंड्स, आपकी मेल आईडी का है तो आपकी जो भी एक्टिव एंड वैलिड मोबाइल आईडी है वो आपको यहाँ पर फ्रेंड्स फिल करनी है और इसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर फिल करना है जो कि 10 डिजिट का आपका रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स, यदि आपके पास कोई लैंडलाइन नंबर है तो आप यहाँ पर उसको फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये है आपके चूज पासवर्ड का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पासवर्ड है वो आपको जनरेट करना है और पासवर्ड में देखिए 8 से 13 करेक्टर का आपका पासवर्ड होना चाहिए। इसमें एक अपर केस, एक लोअर केस, एक स्पेशल करेक्टर और एक न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी इसमें होनी चाहिए, तो तब आप इस पासवर्ड को यहाँ पर जनरेट करेंगे। ये फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक बार जनरेट कर लेना है पासवर्ड, उसके बाद 2 बार आपको इसकी एंट्री करनी है और इसके बाद फ्रेंड्स आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ से सेलेक्ट करना है। कोई भी क्वेश्चन आप सेलेक्ट कीजिए और उसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर फ्रेंड्स यहाँ बात की जाए आपके पासवर्ड्स के रिलेटेड, तो आपको पासवर्ड में देखिए पहला अक्षर या दूसरा अक्षर जो भी आप यहाँ पर अपर केस यूज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो एक लेटर कम से कम आपको अपर केस में यूज़ करना है या फिर आप अपना नाम यूज़ करना चाहें या कुछ भी आप यहाँ पर यूज़ करना चाहें वो आप ऐसे यहाँ पर जनरेट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी आप सिक्योरिटी जो आपका जो स्पेशल करेक्टर है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे @ दे दिया या फिर स्टार दे दिया और उसके बाद फ्रेंड्स आप कोई भी नंबर की एंट्री यहाँ कर सकते हैं। तो ऐसे आप पासवर्ड यहाँ पर जनरेट करेंगे और ऐसे पासवर्ड जनरेट करने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर इनको फिल कर देंगे और यहाँ पर फ्रेंड्स सभी डिटेल आप जो आप फिल कर देंगे, ये कैप्चा कोड यहाँ से डाल देंगे, उसके बाद आप यहाँ से इसको सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, जैसे ही आप वहाँ से सबमिट करेंगे, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो भी डिटेल आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त फिल की हैं इनको आपको चेक करना होगा और जैसे जैसे आप चेक करते जाएंगे, जैसे आपका नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, जैसे जैसे आप इनको चेक करेंगे वैसे आप इन पर टिक करेंगे और टिक करने के बाद फ्रेंड्स आप यहां से इसको आई एग्री करेंगे और उसके बाद यहां पर इसको फाइनल सबमिट कर देंगे। पर यदि कोई गलती है आपकी इन किसी सेक्शन में तो टिक करने से पहले आप उसको सही कर सकते हैं इस एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म द्वारा और उसके बाद फ्रेंड्स दोबारा से आप इसको चेक करके, टिक करके और यहां से फाइनल सबमिट आप कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा और आप सीधे लॉगिन हो जाएंगे इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। यहाँ पर फ्रेंड्स नीचे आपको दिया गया है वेरीफाई मोबाइल नंबर और वेरीफाई मेल आईडी का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप स्टार्टिंग में या फिर बाद में चाहें कभी भी आप यहाँ पर इन दोनों को वेरीफाई
ज़रूर कर लें। जैसे मान लीजिए हम वेरीफाई करते हैं मेल आईडी को, तो इस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आपकी देखिए रजिस्ट्रेशन जो मेल आईडी है वो आपको यहाँ दिखती है। इसके बाद जो इस सिक्योरिटी कोड आपको दिया गया है, ये सिक्योरिटी कोड आपको एंटर करना है और उसके बाद यहाँ से सेंड ओटीपी आपको कर देना है। सेंड ओटीपी करने के बाद फ्रेंड्स एक ओटीपी आपकी मेल आईडी पर जाएगी और वो ओटीपी जो भी आपकी मेल आईडी पर आई है वो आपको यहाँ फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ से आप फ्रेंड्स इसको वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद फ्रेंड्स आपकी जो मेल आईडी है का ऑप्शन है वो वहाँ से हट जाएगा और फ्रेंड्स यहाँ पर आपका लिखा जाएगा ईमेल आईडी वेरीफाइड, मतलब आपकी जो मेल आईडी है वो वेरीफाइड हो चुकी है। तो ऐसे ही आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको वेरीफाई कर लेनी है। इसके बाद फ्रेंड्स आप आएंगे यहाँ पर इस कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म वाले सेक्शन पर और इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर फिल करना है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जिसके लिए फ्रेंड्स कुछ ऑप्शंस आपके ऑटोमेटिक फिल होंगे। इसके बाद आप यहां फिल करेंगे नेशनलिटी, तो आपकी जो नेशनलिटी है वो आप यहां सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स कैटेगरी का ऑप्शन है, तो आपकी जो भी कैटेगरी है जनरल कैटेगरी या फिर एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी या फिर ओबीसी एनसीएल कैटेगरी वो आप यहां सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई अदर ऑप्शन अभी आपका यहां एक्टिवेट नहीं हुआ है। इसके बाद फ्रेंड्स ये ऑप्शन है आपके पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए जो कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% या उससे अबव है, तो आप यहाँ पर यस सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहां से टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स यहां पर है स्क्राइब की डिटेल। यदि फ्रेंड्स आपको स्क्राइब चाहिए या नहीं चाहिए उसके लिए फ्रेंड्स आपको यहां डिटेल सेलेक्ट करनी है। अपने हिसाब से आप चाहते हैं तो यहां पर आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं अगर चाहते हैं स्क्राइब तो आप यहाँ पर नो आई डोंट नीड स्क्राइब जो है आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यदि फ्रेंड्स आप इसमें एलिजिबल नहीं है इस ऑप्शन में तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। और नेक्स्ट है आपका डायबिटिक का, यदि फ्रेंड्स आप डायबिटिक हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में आप आते हैं तो आप यहां पर यस करके नेम ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटीज का ऑप्शन आप यहां से सेलेक्ट कर लेंगे और इसमें भी आप एलिजिबल नहीं हैं तो आप नो सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स यहां पर अप्लाई फॉर का, तो यहां पर देखिए आपको कुछ दो ऑप्शंस मिलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जीआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पर आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट ऑप्शन फॉर एनईटी वो आप यहां पर सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको यहां सभी सब्जेक्ट देखने को मिल जाती हैं, अपने हिसाब से आप जो भी सब्जेक्ट यहां पर सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर बात करें फ्रेंड्स नेक्स्ट पोस्ट के लिए जो कि जीआरएफ की है, तो उसमें भी आपको सेम यही चीज़ सेलेक्ट करनी है और उसके बाद सेम आपको यहां से सब्जेक्ट चूज़ कर लेनी है। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आप देख सकते हैं यहां पर आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की डिटेल डालनी होगी क्योंकि यहां पर पीजी डिग्री अनिवार्य है। इससे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी की, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको चूज करना है आपका स्टेट, जिस स्टेट के लिए आप जो एग्जाम सेंटर चाहते हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। चाहे तो आप अलग अलग सेलेक्ट कीजिए, चाहे तो आप एक ही सेलेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है आप यहाँ पर कौन सा एग्जाम सेंटर लेना चाहते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगर यहाँ पर एक बार सब डिटेल आप चेक कर लेंगे, सेंड कर लेंगे, डिटेल को चेक करने के बाद नीचे आप आएंगे जो कि एजुकेशनल डिटेल वाला सेक्शन है। यहाँ पर आपको पास स्टेटस शो करना है, तो पास होना आपका ज़रूरी है। कोर्स या स्ट्रीम नेम फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने सभी डिग्रीज के जो नेम है वो यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी डिटेल यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर रहती है। इसके बाद है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर्म, तो आपने फ्रेंड्स इंडिया या आउटसाइड इंडिया कहाँ से इसको पास किया है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपके क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट का, तो यहाँ पर फ्रेंड्स जहाँ से आपने जिस स्टेट से इसको पास किया है वहाँ स्टेट को आपको यहाँ पर चूज करना है। इसके बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपके बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम का, तो यहाँ पर देखिए आपको जो आपके बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। आप इनमें से अपनी डिटेल को, अपनी जो यूनिवर्सिटी नेम है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा ये प्रोसेसिंग लेगा और प्रोसेसिंग कम्प्लीट हो जाने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर सेलेक्ट करना है ईयर ऑफ पासिंग या फिर अपेयरिंग ईयर। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि ये अपेयरिंग के लिए है नहीं तो पासिंग के लिए है, तो आप यहाँ पर अपना जो पासिंग ईयर है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद रिजल्ट मोड है आपका परसेंटेज है या फिर सीजीपीए है। मान लीजिए आपकी परसेंटेज है तो फ्रेंड्स आप यहां से परसेंटेज की जो है सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहां पर आप अपने ऑप्टेन मार्क, टोटल मार्क और परसेंटेज ऑफ मार्क्स की एंट्री करेंगे। यदि फ्रेंड्स आपके पास सीजीपीए है तो यहां पर फ्रेंड्स आपको देखिए सीजीपीए जो है आपको यहां सेलेक्ट करना है कि आपका जो मैक्सिमम ग्रेड है वो कितना है, वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका सीजीपीए कितना आपने ऑप्टेन किया है और टोटल सीजीपीए आपका कितना है वो आपको यहां पर एंटर करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको देखिए यहां पर आपकी जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिक नीचे आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स जो कि है रिसर्च या एमफिल या फिर पीएचडी या एक्स सर्विसमैन डिटेल के लिए। यदि फ्रेंड्स आपकी कोई स्पेशलाइजेशन है तो आप यहां पर बता सकते हैं। इसके बाद है आप रिसर्च एक्सपीरियंस है आपके पास पीजी डिग्री में, तो आप यस या नो सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप एमफिल पास या अपेयरिंग है या फिर अभी कर रहे हैं परस्यूइंग में है तो भी आप यहाँ पर उसके लिए यस या नो कर सकते हैं। अपने हिसाब से जो भी आपकी एलजीटी है, यदि आपने पीएचडी पास या अपेयरिंग है या परस्यूइंग है
तो भी आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। यस करना चाहें तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो सेलेक्ट कर देंगे। यदि फ्रेंड्स आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, और नंबर ऑफ ईयर आपको यहाँ बताना है कितना आपने इसमें वर्क किया है, सर्विस की है। अपने हिसाब से आपको यहाँ पर डिटेल चूज करनी है। इसके बाद नीचे है आपका सिक्योरिटी पिन का ऑप्शन, तो यहाँ पर फ्रेंड्स सेम आपको जो सिक्योरिटी पिन दिया गया है ये आपको एंटर करना है, और उसके बाद यहाँ से आपको ये सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स आपको दोबारा से आपकी जो भी डिटेल आपने इस फॉर्म में फिल की है वो आपको यहाँ शो करेंगी, और इसके बाद फ्रेंड्स आपको ऊपर से स्टेप बाय स्टेप एक एक डिटेल चेक करनी है, जैसे आपका नाम, आपका फादर नेम, आपका मदर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आपकी कैटेगरी, पीएडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं यदि आप, एग्जामिनेशन सिटीज़, उसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स, आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है, वो आप यहां से चेक कर लेंगे। और फ्रेंड्स चेक करने के बाद आपने कोई गलती आपको यहां मिलती है तो आप एडिट कर सकते हैं, यदि कोई गलती नहीं मिलती है तो आप यहां से आई एग्री कर देंगे, और उसके बाद यहां से आप करेंगे इसको फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स जो आपकी इमेज, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से अब आपको इमेज अपलोड सेक्शन पर अपलोड इमेज करनी होगी। इसके लिए फ्रेंड्स आप इस सेक्शन पर क्लिक करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर आप साइज देख सकते हैं जो कि आपके फोटो का 10 से 200 केबी और सिग्नेचर का 4 से 30 केबी आपसे यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ये फोटो एंड साइन यहाँ पर अपलोड करनी है। इसके लिए फ्रेंड्स आप इस ब्राउज माध्यम से जहाँ पर भी आपकी फोटो सेलेक्टेड है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, और उसका जो प्रीव्यू है वो आपको यहाँ शो करने लगेगा। तो फ्रेंड्स जैसे ही आपको अपना फोटो एंड साइन का प्रीव्यू यहां पर शो करेगा, उसके बाद आप फ्रेंड्स नीचे आएंगे और यहां पर आपको ये सिक्योरिटी कोड जो दिया गया है ये आप यहां पर एंटर करेंगे, आई हैव वेरीफाइड पर क्लिक करेंगे, और यहां से इस अपलोड सेक्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहां से यस करेंगे, और फ्रेंड्स जो आपकी सेलेक्टेड इमेज है वो आपकी अपलोड हो चुकी है सक्सेसफुली, और आपके जो तीनों ऑप्शन हैं वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपके यहां पर पे एग्जामिनेशन फीस का, आपको इस सेक्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर मिलेगा ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करेंगे, और यहां से आप करेंगे प्रोसीड फॉर पेमेंट। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप यहां से इसको ओके करेंगे, और उसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो डिटेल है वो आपको यहाँ शो करेगी, साथ में सेलेक्ट पेमेंट प्रोवाइडर। तो आपको यहाँ पर बिल डेस्क का ऑप्शन दिया गया है, तो आप किसी भी गेटवे के माध्यम से यहाँ पर किसी भी गेटवे को सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसको सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको मान लीजिए पेटीएम पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करते हैं या फिर SBI, कोई भी आप सेलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो पेमेंट गेटवे है वो आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप चाहें तो पेटीएम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम UPI या नेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। उस पर फ्रेंड्स क्लिक करेंगे आप उस सेक्शन पर जो भी आप यहां से पेमेंट करना चाहते हैं, अपने कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV नंबर डालकर आप सीधे पेमेंट कर सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से भी आप अपने बैंक को यहां सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद यहां से आप पेमेंट कंफर्म कर सकते हैं। पेमेंट कंफर्म करने के बाद फ्रेंड्स आपका जो भी प्रिंट आउट है वो आप निकाल कर अपने पास रख पाएंगे, जिसके लिए फ्रेंड्स आपको डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज का यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आपके एप्लीकेशन पेज के नीचे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप किसी भी सेक्शन से इसको डाउनलोड कर सकते हैं PDF के अंदर, और उसको अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको सभी डिटेल बता दी हैं कैसे आप नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का फॉर्म फिल कर सकते हैं घर बैठे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हमने इस वीडियो में बात की है। आशा करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और देखते रहिए A24 नॉलेज। एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।